दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जॉब न्यूज़ में। आज का वीडियो बहुत ही कमाल का है, आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश है तो आप कंपटीशन की तैयारी करते होंगे। कंपटीशन की तैयारी के लिए मैं आज एक चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। उसके कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ट्रिक्स इस प्रकार हैं। ये आपको दिख रहा है प्रतिशतता, परसेंटेज। इसके मैं सारे फार्मूला सारे ट्रिक्स आपको अभी दिखा रहा हूँ, आप नोट कर लें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पे ये दिखा रहा है, एक ट्रिक्स है, जब ए की आय बी से एम प्रतिशत अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत में कमी होगी। तो इसका कमी बराबर जो फार्मूला होगा वो होगा एम बट्टे सौ प्लस एम गुणा सौ। जब ए की आय बी से एम प्रतिशत कम हो तो बी की आय से प्रतिशत अधिक होगा। तो इसमें फार्मूला सौ, वहाँ ऊपर जो दिखा रहा है उसमें सौ प्लस एम है, यहाँ पे सौ माइनस एम हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट आपको मैं यहाँ फार्मूला एक दिखा रहा हूँ। किसी वस्तु के मूल में एम प्रतिशत के जी से घटकर एन प्रतिशत के जी हो जाए तो खर्चा पूर्व रखने के लिए खपत में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, एम माइनस एन बटे एन गुणा सौ। और यहाँ पे किसी वस्तु के मूल में एम रुपए के जी से घटकर पढ़कर एम रुपए के जी हो जाए तो खर्चा पूर्व, मतलब पहले वाला खर्चा रखने के लिए यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, एन माइनस एम बटे एन गुणा सौ। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे किसी मशीन का वर्तमान मूल्य एक्स है तथा उसके मूल में प्रतिवर्ष एम प्रतिवृद्ध अब मूल्यन हो रहा है, मतलब घाटा हो रहा है, तो टी वर्षों के बाद जो फार्मूला लगेगा उसका मूल होगा एक्स ब्रेकेट वन माइनस एम बटे सौ की पावर टी। नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये भी एक ट्रिक्स है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों में से जीतने वाला एम प्रतिशत मत प्राप्त किया और वह एक्स मतों से जीत गया, जबकि हारने वाला एन प्रतिशत मत प्राप्त किया तो डाले गए कुल मत कितने हैं, यानी यह फार्मूला को आप देख लें, एक्स बट्टे एम माइनस एम तथा एन का अंतर गुणा सौ। नेक्स्ट आपको और मैं ट्रिक्स दिखा रहा हूँ। एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में एम प्रतिशत अंक प्राप्त करता और एक्स अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र एन प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तब जो उत्तीर्ण बाई से बाई अंक अधिक है, तो इसमें जो फार्मूला लगा होगा वो होगा सौ बटे एम तथा एन में अंतर और गुणा सौ प्लस व एक्स प्लस बाई। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे ये ट्रिक्स है। किसी गेहूँ के मूल में एम प्रतिशत की कमी होने से कोई व्यक्ति एक्स रुपये में बाई के जी गेहूँ अधिक खरीद लेगा, गेहूँ का प्रति किलो घटा हुआ मूल बताइए, तो होगा एम बटे सौ गुणा एक्स बटे बाई। और यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, ये भी देखिए, इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ये भी एक ट्रिक्स है। किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष एम प्रतिशत की वृद्धि, दूसरे वर्ष एन प्रतिशत वृद्धि तथा तीसरे वर्ष में पी प्रतिशत वृद्धि हो तो तीन वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो इसका जो फार्मूला है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको, वन प्लस सौ बटे, यहाँ पे आपको दिख रहा है वन प्लस एम बटे सौ, वन प्लस एन बटे सौ, वन प्लस पी बटे सौ। यदि किसी गांव की जनसंख्या एक्स हो तथा एम प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो रही तो ये फार्मूला इसमें फिट हो जाएगा। इसको भी आप नोट कर लें, वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला दिख रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का एम प्रति भोजन पर, एन प्रति कपड़ों पर तथा पी प्रति मनोरंजन पर खर्च कर देता है तो उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय होगी सौ बटे सौ माइनस एन प्लस पी गुणा एक्स। नेक्स्ट और एक ट्रिक्स है। किसी वृत्त की त्रिज्या को एम प्रतिशत से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत में वृद्धि, तो होगा टू प्लस एम प्लस एम स्क्वायर बट्टे सौ, और जब घट जाएगा तो टू होगा, प्रतिशत कमी होगी, टू एम माइनस एम स्क्वायर बट्टे सौ। यहाँ आपको दिख रहा है, इसको नोट कर लें, अपने दिमाग में इसको फीड कर लें और कंपटीशन में आपको ये सफलता दिलाएगा। और इसका जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है वो है परसेंटेज के ही मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ। यहाँ पर ये सारे परसेंटेज के ट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं। 70% होता है 7/10, 75 होता है 3/4, 80 होता है 4/5, 90 होता है 9/10, 100% का मतलब होता है 1, और 150 का 3/2, 60 का 3/5, 66 सही 2/3 का 2/3, 30 का होता है 10/3, 25 का होता है 1/4। इसी तरीका से ये
इंटरफेस आपको दिख रहा है, इस इंटरफेस को अपने माइंड में फीड कर लीजिए। नेक्स्ट, किसी आयत की लंबाई को एम प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी हो, कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। उसमें ये फार्मूला आपका फिट बैठेगा, एम बटे 100 प्लस एम गुणा 100। उपरोक्त प्रश्न में लंबाई को एम प्रतिशत घटा देने से चौड़ाई में जो प्रतिशत वो होगा ये, आप इसको नोट करें। नेक्स्ट, एक पंखे के मूल में एम प्रतिशत वृद्धि होने से उसकी बिक्री एन प्रतिशत कम हो जाती है तो किसी दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो फार्मूला जे लगेगा एम माइनस एन ब्रेकेट एम माइनस एम गुणा एन, जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरफेस में, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। नेक्स्ट, ये भी इंटरफेस आपको दिखता होगा, साफ दिख रहा है, आप इसके भी फार्मूला को नोट कर लें और हमारी वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पहुंचाएं, ताकि बेरोजगार जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। नेक्स्ट के लिए अब हमको ये जो हमने बताया है परसेंटेज के सारे फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी चैनल पर जो वीडियो रिलीज होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने हमें कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।